भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खुशी में आज वैरायटी चौक पर युवा कांग्रेस ने जश्न मनाया है। नागपुर शहर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में जश्न किया गया। इस अवसर पर वसीम खान ने पुरुष हॉकी टीम को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी और साथ ही महिला हॉकी टीम के भी मेडल जीतने की कामना की है। साथ ही वसीम खान ने केंद्र सरकार से कहा कि हॉकी जैसे खेल को सपोर्ट करना चाहिए और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को क्रिकेट के खिलाड़ियों के जैसे स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस मौके पर रणजी महिला क्रिकेट खेली हुई नाज नुसरत अली भी उपस्थित थी। उन्होंने महिलाओं के स्पोर्ट्स में स्ट्रगल के बारे में बताया। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी इंडियन पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीत लिया है। वैसी हमारी इंडियन महिला हॉकी टीम ने बड़ी मेहनत करी है, पर ही हार मिली है, लेकिन आने वाला टाइम जीत का है। और हमारी जो इंडियन हॉकी मेल टीम है, इसने ब्रॉन्ज जीती, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सिर्फ मैंने ये पूरे इंडिया के जितने भी स्पोर्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोक्यो में, वो इंडिया के जितने भी हमारे स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और जिसने भी मेडल लाया इंडिया के लिए, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए मैंने एक एहसास की बात है कि पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया का नाम हो रहा है, आज इंडिया के महिलाओं का नाम हो रहा है, इंडिया के पुरुष हॉकी टीम का नाम हो रहा है। और आगे भी हम ऐसी आशा करेंगे कि हमारे इंडिया से और भी स्पोर्ट्स के बॉक्सर्स रहे, या स्पोर्ट्स हॉकी रहे, या स्पोर्ट्स की टेनिस प्लेयर रहे। जैसे पीवी सिंधु ने भी आज दूसरा लगातार एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज ला लिया है। तो इंडिया की महिला इंडिया के पुरुष के साथ स्पोर्ट्स के कंधे में कंधा डालकर आगे बढ़ रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पर आगे भी हम ऐसी आशा करेंगे कि ऐसी स्पोर्ट्स में इंडिया टीम अपना नाम करते रहे और पूरे इंडिया का गर्व बढ़ाते रहे। इस अवसर पर नाज नुसरत अली, फिरोज खान, पवन चांदपुरकर, अंजना मड़ावी, सरफराज खान, करिश्मा पुन्यानी, जिशान खान, जैनब अतार, जिशान कुरेशी, अक्षय कामले व आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।